हेलो दोस्तों, नमस्कार। एस एम किसी चैनल में मैं आप शिवलम का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ यस्टरडे की बात करें, इस चैनल पर जो वीडियो आया था काफ़ी लोगों को पसंद भी आया, ज़रूर आप भी यहाँ पर देख लेना। अगर आप शेयर खरीदते हो उसके बाद बेचते हो तो जितना पैसा अकाउंट में आना चाहिए वो नहीं आता है, उससे कम आता है, तो ऐसा क्यों होता है, क्या कोई स्कैम है क्या, इंट्राडे करते हो, डिलीवरी करते हो, सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली इस वीडियो में समझ में आएगी। लिंक इस वीडियो का ऊपर आई बटन पे दे दिया है। तो चले दोस्तों, फिलहाल तो अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। संडे का पहला वीडियो तो यूजुअली रहता ही है कि आने वाले नेक्स्ट 5 दिन बाजार के लिए कैसे रहेंगे, कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है जिसके ऊपर बाजार का फोकस रहेगा, मार्केट तेज हो सकता है या फिर बाजार गिर सकता है, कोई ना कोई पॉइंट तो चाहिए होता है ना बाजार में, टॉपिक। ठीक है, तो इस हफ्ते की बात करें तो कौन से वो मेजर पॉइंट है उन्हीं को कवर करेंगे। बट उससे पहले एज यूजुअल दो फॉर्मेलिटीज़, उसमें से पहले फॉर्मेलिटी, क्या बाजार पूरे 5 दिन चलेगा? तो इस सवाल का जवाब है नो। आप सभी लोगों को बताइए कि 17 जुलाई फाइनली आ चुका है, क्योंकि जुलाई मंथ की अगर हम लोग बात करें एक ही छुट्टी थी और वो थी 17 जुलाई, जो कि इसी हफ्ते के बुधवार के दिन हम लोग को देखने को आप मिलने वाली है मोहर्रम के चलते। ठीक है, तो बाजार क्लोज रहेगा। तो कंक्लूजन क्या है पहला, कि 5 में से 4 ही दिन बाजार यहाँ पे चलने वाला है। चलो आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों कि बाजार का माहौल क्या है। भाई बच्चा भी बता देगा, बाजार का माहौल काफ़ी पॉजिटिव है। 5 दिन का ट्रेडिंग सेशन देखोगे तो भयंकर वॉलेटिलिटी जरूर देखने को मिली, बट ओवरऑल 5 दिन में हम कह सकते बाजार ने और 178 पॉइंट्स यहाँ पे जोड़े हैं। ठीक है, एंड खास करके हम कह सकते हैं फ्राइडे के दिन का जो परफॉर्मेंस था बाजार का, आईटी सेक्टर का परफॉर्मेंस के चलते ज़बरदस्त हम लोग को देखने को मिल गया। एंड मार्केट ने फ्राइडे के दिन एक और नया फ्रेश 52-week हाई के साथ साथ ऑल टाइम हाई भी लगा दिया। तो ऐसे माहौल को तो हम लोग यही कहेंगे कि बाजार बुल के ही पकड़ में हम लोग को देखने को मिल रहा है। बेयर वालों को हार्डली कोई एक्सक्यूज़ मिल रहा है बाजार में थोड़ा सा पैनिक क्रिएट करने के हिसाब से। देख लेते इस हफ्ते कौन कौन से ट्रिगर पॉइंट रहेंगे जिसके चलते वो इन चीज़ों के चलते बाजार को नीचे लाने की कोशिश कर सकते हैं। सबसे पहले तो बात करें इन्फ्लेशन का डेटा, फ्राइडे के दिन हम लोग को देखने को मिल गया। ठीक है, फ्राइडे के दिन आप सभी लोगों को पता है हमारा इन्फ्लेशन का डेटा आया। इंडिविजुअली बात करें तो 4.80 के बदले 5.08 इन्फ्लेशन ज़्यादा ही है, नो डाउट अबाउट इट। बट आरबीआई के प्रेडिक्शन के हिसाब से अगर हम लोग ओवरऑल पूरे Q1 के डेटा को अगर हम लोग एनालिसिस करें तो 4.9 एक्सपेक्ट किया था और एक्चुअल में आया 4.88। एवरेज में बात कर रहा हूँ, मैंने कैलकुलेट करके आपको बताया था। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि इन लाइन ही परफॉर्मेंस है, ज़्यादा कोई इतना तकलीफ की बात यहाँ पे नहीं है। प्लस डाउ जोन्स की बात करें तो फ्राइडे के दिन डाउ जोन्स ने तो भाई 500 पॉइंट की तेज़ी दिखाई थी, उसके बाद ऊपर से 50% डाउन आ गया। स्टिल 250 पॉइंट्स के आसपास की तेज़ी देखने को मिली, 40,000 पे क्लोजिंग देखने को मिल गई, ये एक अच्छा पॉइंट जरूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो बजट का सीजन धीमे धीमे करके नज़दीक आते हुए देखने को मिल रहा है, तो ऑब्वियसली बहुत सारी खबरें आती रहेंगी बाजार में, ये हो सकता है वो हो सकता है करके, एंड उससे रिलेटेड सरकार का कोई क्लैरिफिकेशन भी नहीं आ सकता, क्योंकि सरकार को जो भी करना है वो अभी 23 जुलाई को ही वो बोल पाएंगे। ठीक है, उसके पहले वो ये नहीं बोल सकते यार ये तो अफवाह है करके, या फिर बोल सकते हैं हाँ ये सच है करके, नहीं, जो भी होना है 23 जुलाई को पता यहाँ पे चल जाएगा। तो ऐसे वक्त में हम लोगों ने देखा है काफ़ी सारी, देखिए बजट मार्केट ऐसा ही चलता है भाई। ठीक है, रिपोर्ट के जरिए ये खबर आ गई वो खबर आ गई, क्योंकि बजट में मतलब देखा गया टीम में बहुत सारे लोग रहते हैं ना, मेंबर्स यहाँ पे रहते हैं जो कि ये चीज़ें करते हैं और उनको पता होता है पहले से क्या होने वाला है करके। हालांकि वैसे तो सिक्योरिटी टाइट रखी जाती है, बट कुछ ना कुछ तो चीज़ें सामने पहले से एक अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, तो बजट के ऊपर उस हिसाब से फोकस यहाँ पे रखा जा सकता है। अभी तक की बात करें बड़े बड़े चीज़ों के हिसाब से तो टैक्सेशन, इनकम टैक्स की अगर हम लोग बात करें, सेक्शन 54EC की बात करें, ठीक है, ऐसे कुछ बड़ी चीज़ें हम लोग को देखने को आप मिल चुके हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन जैसी बात करें तो ये बजट के टॉप पॉइंट्स यहाँ पे हो सकते हैं, रिपोर्ट के जरिए ये पॉइंट सामने निकल कर आए थे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो आईपीओ से रिलेटेड भी बाजार देखा गया तो अभी भी फोकस में यहाँ पे रह ही रहा है। ये हफ्ते भी देखा गया तो काफ़ी सारे आईपीओ रहेंगे, कुछ आईपीओ लिस्ट होते हुए भी देखने को आप मिल जाएंगे। ठीक है, जब जब बाजार टॉप लेवल पर रहता है हर कोई आईपीओ लाने की कोशिश करता है, बिकॉज ऐसे ही माहौल में आपको ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर भी मिलेंगे, ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट आईपीओ में करते हुए देखने को मिलेंगे। आपका आईपीओ अंडर सब्सक्राइब नहीं होगा, इसका कोई टेंशन ही नहीं रहता है, ओवर सब्सक्राइब भी हो जाता है, इनफैक्ट पहले दिन ही भर जाता है, तो इसलिए हर कोई अगर देखा गया तो ऐसे माहौल में आईपीओ लाने की कोशिश करता रहता है। तो फिलहाल बाजार 24,500 प्लस यहाँ पे चल रहा है, तो इस माहौल के चलते हम कह सकते हैं कि काफ़ी सारे आईपीओ आप लोगों को देखने को यहाँ पे आने वाले समय में भी मिल सकते हैं। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो सेबी ने बीच में एक खबर यहाँ पे निकाली थी, खबर मतलब जैसे कि अगर कोई भी रूल रेगुलेशन लेकर आना है तो अलग अलग कमेटी के थ्रू वो सारी चीज़ें की जाती है, कंसल्टेशन पेपर जारी किया जाता है एंड उसके बाद सारी चीज़ें सामने यहाँ पे निकल कर आ जाती है। तो सेबी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो रिसेंटली हम लोगों ने देख लिया कि उनको 7 पॉइंट का एडवाइस दिया जा चुका है कि ये चीज़ें आप इंप्लीमेंट कर सकते हो FNO ट्रेडिंग को कर्व करने के लिए, एंड जैसे उन्होंने बोला कि रिटेल ट्रेडर को प्रोटेक्ट करने के लिए। रिटेल ट्रेडर को प्रोटेक्ट करना मतलब क्या, जो भी शेयर बाजार में यहाँ पे आता है एज अ ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए, FNO करने वाले 100 में से 90 लोग लॉस में रहते हैं, ये कोई मेरा स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये खुद सेबी का स्टैटिस्टिक है, और उनको
अंदर की बात यहाँ पे पता होती है। तो इसलिए वो यहाँ पे ये करना चाह रहे हैं कि कुछ भी करके रिटेलर जो बिगनर यहाँ पे आता है, वो जो बहुत ज़्यादा पैसा खो देता है, उसका पैसा ज़्यादा यहाँ पे ना खो सके करके। तो इसलिए हम लोगों ने सुन ही लिया है कि 5 लाख का जो आप लोगों को एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता था, वो उसको 25-30 लाख तक करने की बात हो रही है, प्रस्ताव तो रखा गया है, ठीक है। और भी उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, बट ये वाला सबसे डेडली ऑप्शन यहाँ पे रहेगा कि अगर ऐसे ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट अगर इतने बड़ा कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो छोटे प्लेयर्स है वो यहाँ पे आने के चांसेस ही कम हो जाएंगे, ये एक अनुमान लगाया यहाँ पे जा रहा है। और देखा गया तो इससे रिलेटेड मैं बातचीत क्यों करा, क्योंकि इससे रिलेटेड जो सेकंड कमेटी से रिलेटेड बातचीत होगी दोस्तों, फर्स्ट कमेटी ने तो चीज़ें अपनी कर ली, सेकंड कमेटी के पास जाती है, तो 15 जुलाई में इससे रिलेटेड आगे का फर्दर डिस्कशन होने वाला है, जिस मीटिंग में ब्रोकर्स भी रहने वाले, शेयर बाजार से रिलेटेड काम करने वाले तमाम एंटिटीज भी हम लोग को देखने को मिलेगी, और उनका भी सुझाव लिया जाएगा कि आपको क्या लगता है करके, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है, अभी 15 जुलाई के ऊपर हम लोगों का फोकस रहेगा, इससे रिलेटेड क्या कोई आउटकम निकल कर आता है नहीं आता है वो देखने वाली बात यहाँ पे होगी। तो इस हफ्ते में एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। देन आरबीआई की बात करें, आरबीआई तो वैसे भी फोकस में यहाँ पे रहता ही है, ठीक है। महंगाई का डेटा आने के बाद वैसे भी देखा गया एमपीसी के डेटा के चलते फेड के ऊपर सबसे पहला फोकस रहता है, फेड जब भी रेट कट करेगा दुनिया भर के सारे आप देख सकते सेंट्रल बैंक, मैक्सिमम सेंट्रल बैंक, अगेन 1:1 का फॉर्मूला मत लगा लेना कि ऐसा ही होता है करके, बट प्रोबेबिलिटी आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगी। ऑटोमेटिकली बाकी सेंट्रल बैंक भी उन चीज़ों को कॉपी करना स्टार्ट करेंगे, बिकॉज वो स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी, उनकी स्ट्रॉन्ग करेंसी है, अगर वहाँ पे कुछ भी गैप अगर क्रिएट हो जाते तो हमारी करेंसी वीक होने के चांसेस यहाँ पे रहते हैं। तो इसलिए इनलाइन परफॉर्मेंस देने के लिए यूजुअली इस प्रकार की चीज़ें सेंट्रल बैंक फिलहाल तो यहाँ पे करती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो ऑब्वियसली क्वार्टर वन का सीजन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, बड़े बड़े कंपनी के नंबर यहाँ पे सामने आ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि अच्छे सरप्राइजिंग वाले नंबर हम लोग को देखने को मिले, खास करके अभी तक अगर मैं कहूँ तो आईटी सेक्टर से रिलेटेड जो परफॉर्मेंस देखने को मिला है, ठीक है, वो काफ़ी अच्छा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अभी उम्मीदें बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। इसी चक्कर में तो हम लोगों ने देखा फ्राइडे के दिन आईटी सेक्टर इतना 4.25% भागा निफ्टी आईटी इंडेक्स की बात करें तो मेंटेन रहने के लिए उनके नंबर भी वैसे भविष्य में आने चाहिए। तो इस क्वार्टर वन की भी अगर हम लोग बात करें तो इस हफ्ते बहुत सारे आईटी कंपनी के, बड़े बड़े दिग्गज आईटी कंपनी के नंबर पेश यहाँ पे होने वाले, तो वो परफॉर्मेंस कैसे रहेगा उसको स्टडी करना काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। उसी के साथ साथ और भी बड़े बड़े कंपनी के नंबर आने वाले, तो क्वार्टर वन का तो सीजन तो स्टार्ट हो चुका है, उसके ऊपर तो हमारा बाय डिफॉल्ट फोकस रहेगा ही रहेगा। ध्यान बात करेंगे दोस्तों FISDS एक्टिविटीज़ की, तो FIS आप देख सकते हो धीमे धीमे करके कम बैक यहाँ पे होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। DIS भी अगर देखेंगे थोड़ा सा मिक्स परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, बट हम कह सकते लगातार जो बिकवाली FIS की ओर से यहाँ पे हो रही थी वो काफ़ी हद तक अभी रुकते हुए देखने को मिल चुके हैं। पिछले हफ्ते की बात करें, ठीक है, या फिर पिछले हम कह सकते हैं लगभग 7 ट्रेडिंग सेशन की बात करें, केवल एक ही जगह पे FIS ने माल बेचा है, बाकी जगह पे अगर हम लोग कहें तो FIS ने माल यहाँ पे खरीदा है, तो वापसी तो हम लोग को डेफिनेटली होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, ठीक है। एक इंडिकेशन भी होता है जब भी रेट कट के हम लोग करीब जाते हैं तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से। तो एक पॉइंट फिलहाल तो नजर यहाँ पे आ रहा है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों क्रूड ऑयल की अभी चर्चा ही नहीं होती है, ठीक है। WTI 82 ब्रेंड की बात करें तो 85 से लेकर 85 इसी रेंज में हम लोग को क्रूड चलते हुए देखने को यहाँ पे मिलता रहता है। सो ये देखने वाली बात जरूर रहेगी कि आगे क्रूड अगर क्या एकदम एक्सट्रीमली क्या क्रॉस करता है क्या कोई चीज़, मिडल ईस्ट इस चीज़ के चलते हम कह सकते हैं कि शांति रहेगा, ये एक हम लोग को इंडिकेशन देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बीच में जो इसराइल ईरान की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही सिचुएशन स्ट्रेस्ड आउट होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था, तभी लगा था कि कुछ शायद से बात बन सकती है जिसके चलते क्रूड ज़बरदस्त शूटअप कर सकता है, हुआ भी था थोड़ा, बट बाकी में मतलब आप कह सकते हो धमकी भरी वाली चीज़ें चल रही थी, एक्शन तो कोई चीज़ें देखने को नहीं मिल रही थी। चलो ठीक है, देन बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे गोल्ड अगेन 75 के करीब ही हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अच्छी इक्विटी एंड गोल्ड में क्या आपको पता ही है, लॉन्ग टर्म में आपको यूजुअली अच्छे रिटर्न देने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। डॉलर की अगर हम लोग बात करेंगे भाई, डॉलर तो हमेशा मजबूती ही देखने को यहाँ पे मिल जाता है अगेंस्ट द इंडियन रुपी, बट कितना मजबूत अभी तो कह सकते, एक जमाने में 83 का सपोर्ट लेकर चलता था, अभी 83.5 का सपोर्ट भी उसने आसानी से अचीव यहाँ पे कर लिया, मतलब इसके नीचे अगर डॉलर जाता है तो फटाक से हम लोग को रिकवरी भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। ये एक इसके पीछे का थियोरी देखने को मिल रहा है, कुछ लोगों का ये भी मानना है एक्सपर्ट का, तो 84 के भी शक्ल हम लोग को इसी साल के एंड तक देखने को यहाँ पे मिल सकती है, ठीक है। तो जितना डॉलर यहाँ पे मजबूत होगा हमारे लिए खराब न्यूज़ रहेगी, बिकॉज आज भी हम लोग, आप सभी लोगों को पता है फिस्कल डिफिसिट में चलते हैं, हम लोग ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट करवाते हैं, तो हमारा जो बिल बनता है डॉलर में ही बनता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो जितना ज़्यादा डॉलर महंगा होगा, आज 83 मान लो कभी भविष्य में 100 होगा, तो वही चीज़ खरीदने के लिए हम लोग 80 दे रहे थे, उसी चीज़ के लिए 100 देना पड़ेगा, तो हम लोगों के लिए वो नुकसानदायक चीज़ें साबित यहाँ पे हो जाती है। आ जाते हैं आखिरी पॉइंट के ऊपर, वो है ऑप्शन चेन की अगर बात करेंगे भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही रहेगी कि 24,500 के लेवल को कुछ भी करके यहाँ पे क्या करना है, बनाए रखना यहाँ पे पड़ने वाला है, ठीक है। बुल का तो यही फोकस रहेगा, लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की 24,000 के लेवल को प्रोटेक्ट करने करके, बट इस हफ्ते की बात करें तो 24,500 को प्रोटेक्ट करने की कोशिश बुल वाले जरूर करेंगे, एंड बेयर वालों का वही काम है जितना हो सके मेजर सपोर्ट लेवल को यहाँ पे तोड़ा जा सके। ऑब्वियसली उसके लिए उनको कोई ना कोई बड़ा कारण बाजार में यहाँ पे मिलना चाहिए, तभी जाके वो इस प्रकार की चीज़ें कर सकते, खास करके अगर हम लोग एक
फिक्स इवेंट की बात करें तो माइट भी उनके लिए एक बजट बड़ा इवेंट हो सकता है, बट उसमें भी इफ बट वाली चीजें, ऐसा हुआ वैसा हुआ तो ही वो उस चीज को ट्रिगर आउट कर सकते हैं, वरना वो भी मौका उनके हाथ से जा सकता है। वो तो इफ बट वाला बात है, वो तो 23 तारीख को ही पिटारा खोलेगा और पता चलेगा कि हकीकत में क्या क्या होने वाला है करके। सो आशा करता हूं दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थी सारी कवर कर ली। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।